नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वैसे तो मैं आपके लिए वीडियो लाता ही रहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो वीडियो लाता हूँ वो आपके सामने ऐसी लाता हूँ जो आपके लिए पहले YouTube पर देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी ये है सिर्फ शावर एरिया का डिजाइन। तो दोस्तों हमारा जो नहाने वाला एरिया होता है शावर एरिया, उसमें हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं, तो उसी के ऊपर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारा ये शावर एरिया है इसकी साइज़ यहाँ पर है 3 फिट इसकी चौड़ाई है और 5.25 फिट की इसकी लंबाई है। तो इसी में हम डिजाइन कुछ आपके सामने बनाकर दिखाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने ये सबसे पहले जो पट्टा लगाया है इसकी चौड़ाई 1 फिट है और इसकी लंबाई जो है वो है 3 फिट की। तो दोस्तों इसके बाद हम कैसे कैसे यहाँ पर डिजाइन इसमें हम बनाएंगे वो सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने 6 इंची की ये पट्टी दूसरी ली है इसकी जो लंबाई है वो है 3 फिट की। तो इस तरीके से हम इसके चारों तरफ इसको लगाएंगे और जो इसके अंदर का जो हिस्सा होगा उसमें हम डिजाइन बनाएंगे, वो डिजाइन भी मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि हमने कौन सा डिजाइन इसमें बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 पट्टियाँ हम इस तरीके की लगा चुके हैं। इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों आप देखते हो कि काफ़ी वीडियो आपके सामने हमारी आती रहती है और काफ़ी अच्छे अच्छे आपके कमेंट आते हैं, तो आप जैसे कमेंट हमें करते हो उसी तरीके के हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के हिसाब से हमारा फिर वीडियो बनाने का भी आगे मन करता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 फिट इसकी लंबाई ली है और 6 इंची की जो चौड़ाई ली है वो 2 पट्टियाँ लगाई हैं और यहाँ पर जो ये चौथा वाला हमारा जो पत्थर है इसकी साइज़ 3 फिट इसकी लंबाई है और 1.25 फिट का ये पट्टा है, ये इटालियन स्टोन से लिया गया है। और यहाँ पर इसको लगाने के बाद में जो हमारी अब जगह बीच में जो बच रही है वो जगह यहाँ पर 2x3 फिट की जगह बची है, उसमें हमें डिजाइन बनाना है और डिजाइन को हमें डाउन करना है या ऊपर करके लगाना है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम चारों पीस कंप्लीट कर चुके हैं लगा करके, और जो हमारा जो बीच वाला जो हिस्सा बचा है 2x3 का उसमें हम क्या डिजाइन रखने वाले हैं वो मैं आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने 2x3 का एक पीस इसका लिया है जिसमें यहाँ पर 6-6 इंची पे हमने 3 mm गहरे ग्रुप काटे हैं और 6x6 इंची की इसमें डिब्बियाँ बनाई हैं। अब इससे फ़ायदा कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम इसको लगाने के बाद में और पॉलिश जब इसकी हो जाती है तो ये एक फिसलन इसमें हो जाती है, अगर यहाँ पर ये कट बने रहेंगे तो इसके जो फिसलन है नहाते टाइम जो फिसलन होती है वो फिसलन इसमें नहीं आएगी, बस इसीलिए इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको हमने काटा कैसे वो आप लाइव प्रूफ इसमें देख सकते हो। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 mm ब्लेड इसकी कटिंग की है, सिर्फ 3 mm, और हमको इस पत्थर को भी हमें सिर्फ 3 mm ही बाकी के फर्श से ऊँचा रखना है ताकि जो हमारा बाहर का जो पानी है वो इसके बगल से ट्रैप पॉइंट तक चला जाए। दोस्तों यहाँ पर जो ये शावर एरिया हमारा है जो 3x5 का, इसको हमने बाकी के फर्श से 10 mm डाउन दे करके और इसमें 15 mm हमने इसमें अपने इसका जो पानी जाने वाला पॉइंट है उसमें हमने 15 mm इसमें डाल रखा है। दोस्तों इसी तरीके से हम इसका डिजाइन बना सकते हो, आप भी किसी भी साइड पर अपनी पे ये बनाकर लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा डिजाइन है। इससे बनने से यहाँ पर फिसलन नहीं होती है, बस इसीलिए पार्टी की चॉइस होती है कि जो हमारा शावर एरिया होता है उसमें कुछ ऐसा डिजाइन बनाया जाए जिससे कि हमारी फिसलन ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों यही एक 3 mm का ग्रुप देकर, 3 mm गहराई और 3 mm चौड़ाई का ग्रुप देकर के और हम ये डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है पॉलिश हो जाने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम इसका डिजाइन कंप्लीट बना चुके हैं, कंप्लीट इसको लगा चुके हैं और इसमें हमने 3 mm इसको हाइट भी रख दिया है ताकि जो ग्रुप के अंदर हमारा पानी गिरेगा वो भी इसी के ग्रुप से निकलते हुए और बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।